नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्म महर्षि वैद्यराज त्रयमो गोप्ते पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्या संभाषा इस उपक्रम के 287वें पुष्प में उपस्थित सभी वैद्य गणों का वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल सहर्ष स्वागत करते हैं। आज के प्रमुख वक्ता वैद्य प्रशांत शिंदे महोदय जी का भी विशेष स्वागत। पुष्प का आरंभ हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वंदित पाद पद्मं लोके जरारुं भयमृत्यु नाशनं धातारमीशं विविधौषधीरा शंखं चक्रं जलौकां धतमृतभटम् चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म त्वचातिभुद्या सुख परिविरसन् मौनिमं भोजनेत्रम् कटितट विनस्त चारु पीतारणं वंदे धन्वंतरिं निखिल गगन धन्यवाद वैद्य प्रज्ञा अक्कलकोटकर महोदया। आज के प्रमुख वक्ता परम गुरुवर्य वैद्य प्रशांत शिंदे महोदय जी का परिचय करने हेतु परम आयुर्वेद के संस्थापक संचालक वैद्य महेश भुजबल जी से मैं अनुरोध करती हूँ। नमो नमः। सर आपका कैमरा ऑन कीजिए। हमारे आज के परम मित्र व्याख्याता है वैद्य प्रशांत शिंदे सर। आप बतौर रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद में योगदान दे रहे हैं। नागपुर में आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने BAMS गंगाधर शास्त्री गुनी आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर से कंप्लीट किया है और जामनगर से आपने MS गायनेक आयुर्वेद में किया है। आपका पीजी डिसर्टेशन वर्क अनोवुलेटरी साइकिल इनफर्टिलिटी इस विषय पर था। आपने एज असिस्टेंट प्रोफेसर भोपाल आयुर्वेद कॉलेज में काम किया है और रिसर्च ऑफिसर मंडी और रिसर्च ऑफिसर नागपुर यहाँ पे आप अभी कार्यरत हैं। आपका रिसर्च का स्पेशलाइजेशन स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र इस विषय में है। आपने 15 से भी ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हैं। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपने 30 से भी ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं। 10 सेमिनार और वेबिनार आपने ऑर्गेनाइज किए हैं। आप अभी
मेंबर ऑफ रिव्यूइंग कमेटी इन JRS एंड JDRS, इसमें आप कार्यरत हैं। स्त्री रोग इस विषय में आपके बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, रिव्यू पेपर्स आपने 2 पब्लिश किए हैं। आप अभी इन्वेस्टिगेटर की पद पे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इन RCH इन PHCs ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ICMR फंडेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया इन निर्गुंड्यादि योगा इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, और को इन्वेस्टिगेटर इन क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ PPKC ऑफ पुष्यानुप चूर्ण, IMR प्रोजेक्ट क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन शतावरी गुड़म एंड त्रिफला कषाय। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप आज हमें इस विषय पर मार्गदर्शन करें, योनिव्यापत अनओवुलेटरी साइकिल। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी को मेरा नमस्ते। मेरी आवाज सुन रही है? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी सर। ओके, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? जी जी। धन्यवाद प्रथम परम आयुर्वेद संस्थान को कि जिन्होंने मुझे आज 287 इस पुष्प में एक मौका दिया कि मैं मेरे विचार साझा कर सकूं। तो आज का मेरा विषय है योनिव्यापक विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओवुलेटरी एंड अनओवुलेटरी साइकिल। मायसेल्फ डॉक्टर प्रशांत शिंदे, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा इन रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। योनिव्यापक, योनिव्यापक तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी चिकित्सक हैं या स्टूडेंट्स हैं। तो मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया योनिव्यापक के रिगार्डिंग देता हूँ। 20 टाइप्स ऑफ योनिव्यापक मेंशन इन द क्लासिक्स आर मेजर कॉज इन द हैम्परिंग द नॉर्मलेसी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। चरक सेज दैट योनि ऑफ वुमन एफ्लिक्टेड विद द दोषास और डिसीजेस does not retain the shukra, that is semen, or the female becomes infertile. Infertility reduces the quality of life, especially through negative psychological consequences like marital instability, anxiety, depression, and social isolation. योनिव्यापक सामान्य निदान। चरक संहिता में चरक चिकित्सा 30 अध्याय में योनिव्यापक के एक सामान्य निदान बताए, मिथ्याचारेण ता स्त्रीणाम प्रदुष्टेन अर्थवेन च जायन्ते बीज दोषाश्च श्रुणुता पृथक। अब इस कोट में चरक आचार्य चरक जी ने जो निदान बताया, मिथ्याचार जो रोग के लिए जो बताए गए सामान्य वाग्भट ने भी कुछ सेम ही ये बताया हुए जनरल डिसीज के लिए कि मिथ्याचार या अति या अहित, ये सारे तीनों जो है वो कारणीभूत रहते हैं कोई भी डिसीज के लिए। तो मिथ्याचार ताम स्त्रीणाम प्रदुष्टेन अर्थवेन च, प्रदुष्ट अर्थव तथा बीज। अब यहाँ अर्थव और बीज ये दोनों ही वर्ड आए हैं, और अर्थव ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के संदर्भ में आया है। जायन्ते बीज दोषा श्रुणु, जायन्ते बीज दोष के वजह से भी योनिव्यापक होते हैं। यह बीज जो दोष है वो ओहम के संदर्भ में आया है। वैसे ही वाग्भट जी ने बताया है, विंशति व्यापद हो योने है जायन्ते दुष्ट भोजना विषम स्थान शयन वृष मैथुन सेवने है दुष्टार्तव द्रव्य ही बीज दोषेन दैवत। यहाँ भी दुष्ट अर्थव और बीज दोष ये दोनों भी वर्ड आए हैं। इसका मतलब दुष्ट अर्थव यह मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और बीज दोष यह ओहम के रिलेटेड आया है। इसका मतलब ये है कि हर एक इसमें ओहम और
अर्थव, ये दोनों ही कारणीभूत है योनि व्यापद में। अब बीज दोष मतलब अगर फीमेल के ओहम में अगर बीज अवयव में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आगे जाके वो होने वाले स्त्री अपत्य में योनि व्यापद की चांसेस हो सकते हैं। कोरिलेशन ऑफ योनि व्यापद इन मॉडर्न, अब कुछ मैं यहाँ मॉडर्न कोरिलेशन बताना चाहूंगा, जिसे वातिकी योनि व्यापद को हम एंडोमेट्रियोसिस और एस्ट्रोजन डिफिशियंसी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। पैतिकी को एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ऑर्गन के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। श्लेष्मिक को ट्राइकोमोनोस इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स, उसमें जो कर्डी डिस्चार्ज होता है, इचिंग होती है और जो कफ के रिलेटेड उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सानिपातिकी में इन मिक्स्ड वजाइनाइटिस या मिक्स्ड इन्फेक्शन रहता है वाइट डिस्चार्ज, तो जो सानिपातिक इसमें शोथ और ये भी उसमें सारी चीजें रहती है। रक्त योनि, ओविलेटरी और अनओविलेटरी टीयूबी, रक्त योनि में बहुत बार ब्लीडिंग हैवी मेंसेस या रक्त प्रदर के साथ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, और उसमें ओविलेटरी हो या अनओविलेटरी हो लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा रहती है। और उसमें ये भी हो सकता है अनुरुत या नुरुत, मतलब कि ऋत में जैसे कि उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का टाइम है और उसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। अनुरुताओं मतलब उसका मेंस्ट्रुएशन का टाइम नहीं है, जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ये दोनों भी रक्त योनि में आते हैं। अरजस्का को हम अमिनोरिया के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अचरणा को प्लूराइटिस वल्वा के साथ ये कर सकते हैं। अतिचरणा को वजाइनल इन्फ्लेमेशन के साथ कर सकते हैं। उपप्लुता को डिसपेरेनीमिया के साथ कर सकते हैं। परिप्लुता को वल्वो वजाइनाइटिस के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। उदाभिर्तिनी को हम डिसमिनोरिया के साथ ये कर सकते हैं। कर्णिनी, कर्णिनी योनि व्यापद में ये बताया है कि अगर गर्भिणी स्त्री गर्भ प्रसव के समय अगर ज्यादा ये करती है, प्रवाहन करती है, तो उसमें कफ दोष का अधिक होने के वजह से वहाँ पॉलिप्स बन सकते हैं, तो उसके उसको सर्वाइकल पॉलिप्स के या सर्वाइकल इरोजन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। अंतर्मुखी को रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ यूटरस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वामिनी योनि व्यापद को हम रिकरेंट एबॉर्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से एक कुछ कोरिलेशंस है जो हम डेली लाइफ जो अभी ओपीडी में हम मिलते हैं, और इन जो मॉडर्न डिसीजेस को बताया है उनको हम आयुर्वेद के साथ अगर कंपेयर कर सकते करते हैं, तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स है, उसके वजह से हम उनके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। और जो चिकित्सा भी है वो उस तरीके से भी मतलब होती है, जैसे डिस्पेरेनीमिया, उपप्लुता योनि व्यापद जो बताया हुआ है उसकी उपप्लुता योनि व्यापद की चिकित्सा अगर हम डिस्पेरेनीमिया में करते हैं तो सेम चिकित्सा मतलब ये है पेरेनीमिया में, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, फॉर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर फीटस फॉर्मेशन, ध्रुवम चतुर्णम सान्निध्यात गर्भस्यात विधिपूर्वक, ऋतुक्षेत्रांबु बीजानाम सामग्र्यात अंकुरो यथा। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, फॉर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी कंसेप्शन विच आर प्रॉपर फर्टाइल पीरियड, फिजियोलॉजिकली एडिक्वेट एंड हेल्दी इंटरनल ऑर्गन्स फॉर द रिप्रोडक्शन, proper nutrition to the developing zygote or fetus, the activated ovum or spermatozoa, among them bija is the core stone of female reproductive process, and it is in its absence conception cannot achieve in spite of all the factors. Here the bija is taken as a antapushpa, that is ovum, so anovulation can be included under the bija drushti. बीज, बीज बीज प्लस बी प्लस ज, बी हैज बीन सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत रिटर व्यंग विथ प्रत्यय विवप, इट मीन्स टू हाइड, टू कीप द सीक्रेट, टू कीप आउट ऑफ द स्ट्रेट साइड और टू कंसील, द मीनिंग ऑफ ज इज टू गिवन बर्थ, विशेषण जायंते अनेन इति बीजः, capacity to produce another thing is called as a bija. Bijam hi swasadrushankuram karoti,
यहाँ चरक चिकित्सा चरक शादी स्थान दूसरे अध्याय में विरेता ये टर्म के लिए बीजात समानशात उपतप्त बीजात स्त्री पुंस लिंगी भवती विरेता एक कोट दिया हुआ है चरक शादी स्थान में। यहाँ बीजात का मतलब जो चक्रपाणी ने जो टीका लिखी है उसमें बीजम स्वदृश अंकुरम करोति मतलब जो खुद की तरह एक अंकुर तैयार करता है एक क्लोन तैयार करता है वह बीज है मतलब उससे बीज उस बीज से अंकुर की निर्मिति होती है इसलिए उसको बीज की टर्मिनोलॉजी दी है। बीज स्त्री पुसं यो हो आर्तव शुक्र है बीज इंडिकेट्स द बोथ आर्तव दैट इज ओहम एंड शुक्र दैट इज स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली बीज that substances which is responsible for the pre-production. अब कुछ synonyms आए हैं direct बीज बीज से ही ओहम हम ये नहीं ये कर सकते संहिताओं में ओहम के लिए दूसरा भी synonym आया है जैसे आर्तव है भिन्नति यावत बहुधा प्रपन्नम शुक्रार्तवम चरष संहिता शादी स्थान दूसरे अध्याय में ये आया हुआ है। वाटर डिवाइड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड आर्तव जब फीमेल जब शुक्र और आर्तव का फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट तैयार होता है जायगोट तैयार होते वक्त जो भी ये बताया गया हुआ है सेल डिवीजन वो वाटर के वजह से होता है। तो यहाँ शुक्र आर्तव ये जो दो डेफिनेशन दिए हैं आर्तवम हम ओहम के लिए ले रहे हैं और शुक्र स्पर्मेटोजोआ के लिए शुक्र आफ्टर एंटरिंग द यूटेरस थ्रू द एप्रोप्रिएट पैसेज गेट एडमिक्स विद द आर्तव उपचितेन पथा गर्भाशय अनुप्रविश्य आर्तवेन अभिसंसर्ग इति इसका मतलब जब आर्तव शुक्र जब गर्भाशय में प्रवेश करता है तब आर्तव के साथ एडमिक्स होता है और तब फीटस फॉर्मेशन होता है। ये चरक संहिता शादी स्थान चौथे अध्याय में बताया गया है। यहाँ दोनों आर्तव का अर्थ ओहम से हमें लेना चाहिए। शोणित शोणित एज ओहम शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा यहाँ भी शोणित का मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से नहीं है यहाँ शोणित का मतलब ओहम है। द यूनियन ऑफ शुक्र एंड शोणित एट एप्रोप्रिएट एज इन द मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल द कंसेप्शन एंड शोणित रिप्रेजेंट्स द ओहम सुषुत शारी स्थान चौथे अध्याय या सुषुत शारी स्थान दसवें अध्याय में भी शोणित ये ओहम के लिए यूज किया हुआ वर्ड है। बीज निर्माण आहार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी फॉर द सर्वाइवल द आहार कंपोजिशन ऑफ अ पंचम महाभूत इज एक्टेड अपॉन बाय जठराग्नि भूताग्नि धात्वाग्नि एंड द रिजल्टेंट न्यूट्रिशियस मटेरियल इज मेड अप अवेलेबल अप टू द सेल्युलर लेवल इन दिस कोर्स आयुर्वेदिक टेक्स्ट मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ धातु उपधातु मल एंड दोषा एक्सेट्रा हियर वी प्रिसाइसली फाइंड द ओरिजिन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अवर इंटरेस्ट रसात स्तन्य ततो रक्तम द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्भधारणा ऑकस फ्रॉम रस धातु आहार रस डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूम आहार बाय द एक्शन ऑफ जठराग्नि इज सब्जेक्टेड टू रस धातुवाग्नि टू प्रोड्यूस द आर्तव जब हम आहार को ग्रहण करते हैं तो अग्नि के साथ पाचक पित्त क्लेद कफ समन्वत और जठराग्नि इनके वजह से या इनके कार्य के वजह से आहार का आहार रस में रूपांतर होता है। आहार रस पे जब रस धातुवाग्नि की प्रक्रिया होती है कार्य होता है तब उसका प्रासाद भाग और किट्ट भाग इन दोनों में विभाजन होता है। प्रासाद भाग का रस धातु में रस रक्त पोषक अंश में तथा उपधातु में कन्वर्जन होता है और उपधातु दो बताए गए हैं रस के एक स्तन्य और एक आर्तव। आर्तव यहाँ हमें सिर्फ ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल ब्लड के से रिगार्डिंग हमें नहीं लेना है। आर्तव यहाँ दोनों है अंतःपुष्प और बहिःपुष्प। अंतःपुष्प मतलब ओहम और फॉलिकल हम बोल सकते हैं और बहिःपुष्प मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग।
the very scientific explanation of a physiology of a Bija Nirman and a Vahan is given by the Vishwamitra in the Sushrut Sutra 14x14 Chakrapani commentary. Sukshma Kesha Pratikasha Bija Rakta Vaha Sira Garbhashayam Tarpayanti Masat Bijaya Kalpate. यह मासाद बीजाय कल्पते जो बोला है मतलब सूक्ष्म केश प्रतिकाशा रक्त एंटर्स इनटू द माइक्रो चैनल्स ऑफ आर्तवह स्रोत दैट इज ओवरी एंड यूटरस एंड परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड ओविलेशन आल्सो. तो जो मासाद बीजाय कल्पते ये हमें दोनों तरफ से लेना है मेंस्ट्रुएशन और ओविलेशन. यहाँ विश्वामित्र जी ने वो कोट दिया है कि मासद बीजाय कल्पते मासद मतलब हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन महावारी भी आती है और हर मंथ में ओविलेशन भी होता है तो हमें दोनों तरीके से उसको ग्रहण करना चाहिए. अब ये है रोल ऑफ दोष इन द ओविलेशन. मैं एक जनरल ये बताता हूँ कि इस तरीके से ओविलेशन होता है. पहले प्रीमोडियल फॉलिकल्स होता है वो ग्रोथ होती है उसकी डेवलपमेंट होती है प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं इंक्रीजिंग साइज होने के बाद ये 2-5 mm के मैच्योर फॉलिकल्स तैयार होना स्टार्ट होते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ थीका सेल होते हैं उसके बाद और साइज इंक्रीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल तैयार होते हैं. यहाँ एरोमेटाइजेशन होता है एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन एंड्रोजन का कन्वर्जन ईस्ट्रोजन में होता है और उसके बाद जब एलएस सर्ज होता है तब ओविलेशन हो जाता है. तो उसका हम त्रिदोष के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं जैसे कफ ये पृथ्वी महाभूत तथा जल महाभूत इन दोनों के प्रधानता से बनता है ठीक है और ये दोनों भी उत्पत्ति के लिए कारणीभूत है. तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कफ ये उत्पत्ति के लिए या उपचय के लिए कारणीभूत है. सेम पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ पाक कर्म in the body. So here the role of pitta can be understood as a maturation of graafian follicle and conversion of androgen into estrogen. Isko hum aromatization bolte hain. To pitta ka paak karma hai jo conversion jo hai wo paak karma pitta ke wajah se hota hai. To graafian follicle jo hai usko mature follicle karne ke liye aromatization ki zarurat hai. To ye pitta ka kaam hai. Aur lastly jab vat ka vibhajan aur pravartan kaam hai तो ओविलेशन में जो रप्चर है वो विभाजन तथा मतलब जो उसके जो फॉलिकल्स में जो सेल्स होते हैं उसको विभाजन करना और उसका प्रवर्धन फॉलिकल रप्चर करना ये वात का काम है. तो इसी तरीके से हम दो ओविलेशन के लिए तीनों त्रिदोष का कैसा ये कार्य रहता है हम इस तरीके से समझ सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ वात इन ओविलेशन प्राकृतवात वायुसंयंत्र तंत्रधर सर्व शरीर धातु विवह कर स्थूलानु स्रोतसाम भेत्ता. अब ये जो कोट दिया हुआ है चरक सूत्रस्थान 12 अध्याय में जहाँ प्राकृतवात के जो कार्य बताए गए हैं उसमें सभी यंत्र तंत्रधर शरीर के सभी प्रोसेस का जो भी रिस्पॉन्सिबल ये है रिस्पॉन्सिबल दोष है वो वात है. वो तो शरीर में जो भी प्रोसेस हो रही है वो वात रिस्पॉन्सिबल है. और हमें ये भी पता है कि पित्त और कफ पंगु हम कहते हैं और उस उनके लिए वात की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए. तो हम ये कह सकते हैं कि वात इज अ होली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजी और शरीर के जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके लिए प्राकृत वात यह रिस्पॉन्सिबल है. तेषाम संयोग विभागे परमाणुना कार्यम वायु कर्म. अब संयोग विभाग में जो सेल डिवीजन बताई गई है ओविलेशन के लिए या आगे फर्टिलाइजेशन में जो सेल डिवीजन होती है उसके लिए प्राकृत वायु रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ओविलेशन में अगर तीनों दोष ये है रिस्पॉन्सिबल है लेकिन सबसे ज्यादा रोल रिस्पॉन्सिबल वात है क्योंकि वात अगर प्राकृत है तो ये सारी चीजें प्राकृत ओविलेशन होता है. और ये तीनों अगर इसमें से एक भी दोष अगर प्राकृत नहीं है तो ओविलेशन में प्रॉब्लम आती है उसको हम अनओविलेटरी साइकिल बोलते हैं. साइंस ऑफ ओविलेशन. पिन्न प्रसन्न वदना प्रक्लिन्न आत्म मुख द्विजाम नरकामाम प्रियकताम सस्तक कुक्षाक्षी मुद्वजाम. अब ये कुछ ओविलेशन के साइंस है
और अगर हम मॉडर्न का अगर हम विचार करते हैं तो एक जनरल वन डिग्री हम बोलते हैं कि उसका राइजिंग टेम्परेचर रहता है जो फीमेल खुद महसूस कर सकती है, और दूसरा एस्ट्रोजन लेवल या एलएच सर्च के वजह से वाइट डिस्चार्ज भी रहता है, थोड़ा सा हल्का सा रहता है, हम ओवुलेशन उस दिन हो जाता है, इस तरीके से हम उसको कंसिडर करते हैं, ये ओवुलेशंस के साइन है। व्हाट इज ओवुलेशन? ओवुलेशन रेफर्स टू द फिजिकल एक्ट ऑफ रप्चर ऑफ फॉलिकल विद द एक्सक्लूजन ऑफ ओसाइट्स। व्हेन द फॉलिकल डज नॉट रप्चर देन ओवुलेशन फेल्स and it is called as an ovulation. There are many reasons both which can be solved and which cannot be behind the ovulation. So there is a way of woman to achieve the ovulation. Ovarian factor include anovulation or oligoovulation, decreased ovarian reserve, luteal phase defect or luteinized unruptured follicle. ये ovarian factor actually infertility से related है, तो infertility में जो भी फैक्टर्स है, सर्वाइकल फैक्टर है, ओवेरियन फैक्टर है या ट्यूबल फैक्टर है और हार्मोनल फैक्टर है, अगर हम इनका ये करते हैं तो ओवेरियन फैक्टर का जो भी रेशो है इन चारों से सबसे ज़्यादा ओवेरियन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर हम स्टैटिस्टिकली डाटा अगर निकालते हैं तो इनफर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा ओवेरियन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओवेरियन फैक्टर में भी अनोवुलेशन में ओलिगोवुलेशन होता है जिसमें फॉलिकल्स तैयार होते हैं लेकिन रप्चर नहीं होते, या ऐसा होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स रिक्रूट होते हैं ओवुलेशंस के लिए लेकिन एक भी फॉलिकल अप टू मार्क नहीं तैयार होता, ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनता या रप्चर नहीं होता। दूसरा होता है डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व। अब बहुत बार ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में इस तरीके से ये होता है कि एक्चुअली पहले से ही ओवरी में नंबर ऑफ जो फॉलिकल्स रहते हैं जो मैच्योर होने के लिए तैयार होते हैं वो फॉलिकल्स ही कम होते हैं, तो डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व, फॉलिकल्स कम होते हैं, उसके वजह से बाद में फॉलिकल्स खत्म होते हैं और हम एएमए जो करवाते हैं वो उसका जो वैल्यू है वो कम आती है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो एलएच सर्ज है वो नहीं होता या फॉलिकल्स है वो रप्चर्ड नहीं होते, उसमें भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे जो ग्राफियन फॉलिकल की जो आउटर लेयर है थीका सेल्स की जो लेयर होती है वो इतनी हार्ड होती है कि फॉलिकल रप्चर नहीं होता, तो ये कुछ रीजन है मॉडर्न के हिसाब से अनोवुलेशंस के लिए। ये लैप्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओवुलेशन है जहां हम देख सकते हैं कि ओवम कैसे बाहर मतलब ओवुलेट हो रहा है। अनोवुलेशन बहुत जो क्लासिकल टेक्स्ट है डायरेक्ट अनोवुलेशन ऐसे ये नहीं है लेकिन उससे कोरिलेटेड करने वाले कुछ हम बोल सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी अनोवुलेशंस के लिए आया है, जैसे काश्यप संहिता में है बीजोपघात बोला है। अब बीजोपघात यहाँ बीज आर्तव के रिलेटेड नहीं है, बीजोपघात मतलब बीज, अब जब स्त्री बीज का यहाँ हमने कंसिडर करना चाहिए, जब इस बीज ही उपलब्ध नहीं है तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेम एक दूसरा कोट आया है, अल्प पुष्पम नष्ट पुष्पा, नष्ट पुष्प नष्ट बीजा। अब नष्ट पुष्प यहाँ और अल्प पुष्प, ये पुष्प अंत बही पुष्प से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ अल्प पुष्प मतलब स्कैंटिमेंसेस और नष्ट पुष्प मतलब अमिनोरिया, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नष्ट बीज मतलब फॉलिकल ही नहीं है, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है। कर्मण्य बीज परिता अनुवासी, अनुवासन करने के लिए बोला है यहाँ काश्यप संहिता में, तो नष्ट बीज ये अनोवुलेशन के लिए हम ये कर सकते हैं। वंध्या नष्टार्थवा विद्यत, सुषुत उत्तर तंत्र में ये कोट आया हुआ है वंध्या के जो व्यापद है उस रिगार्डिंग, तो उसमें नष्टार्थवा, अब नष्टार्थवा से हम दोनों कंसिडर कर सकते हैं, एक अनोवुलेटरी साइकिल या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अमिनोरिया, लेकिन यह बहुत बार देखा गया है कि
अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं तब भी ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब मेंसेस आते हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता, ये हो सकता है। और ये भी चीज पॉसिबल है कि ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब मेंसेस नहीं आ रहे फिर भी ओव्यूलेशन हो रहा है और आगे जाके वो लेडी कंसीव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सुश्रुत शारिस्तान में कोट आया है आर्तव दृष्टि के रिगार्डिंग, तो आर्तव भी अभी त्रिदोष ही शुक्र शोणित चतुर्थ ही पृथक बन्व ही जो आर्तव दृष्टि बताई है उसमें त्रिदोष आर्तव दृष्टि बताई है उसमें एक उपसृष्टम अभिजम, अभिजम को हमें अनोवलेशन के साथ कोरिलेट करना चाहिए। बाकी जो आर्तव के जो बाकी के दोष बताए हुए हैं वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशंस के हिसाब से है, क्योंकि जो बाकी के उसमें आर्तव के रंग वेदना इसके साथ कोरिलेट किया हुआ है उसका मतलब वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। और यहाँ उपसृष्टम अभिजम, अभिजम ये अनोवलेशन है। कुछ जातहरणी में भी का भी हम कोरिलेशन कर सकते हैं, जैसे रेवती ग्रह में वृथा पुष्पं तु या नारी यथा कामल प्रपश्यति स्थूल लोम गंडशा व पुष्पग्नि सा अपि रेवती। अब स्थूल लोम गंडशा, अगर हम पीसीओडी को थोड़ा सा यहाँ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो स्थूल लोम गंडशा हिरसुटिज्म जो है स्थूल लोम गंडशा वो हमें यहाँ उसके उसके साथ कोरिलेशन कर सकते हैं। पुष्पग्नि, अब ये पुष्पग्नि के दो भी रीजन ये हो सकते हैं कोरिलेशन की, हाइपोमिनोरिया या अनोविलेशन, तो ये दोनों भी पीसीओडी में दिखाई देने वाले सिम्टम है। तो रेवती ग्रह में जो ये जो बताया हुआ है वो कोट हमें अनोविलेशन या पीसीओडी के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। अभिजोत्सर्ग से लेके कुछ टर्मिनोलॉजी है या जिसमें हम कोरिलेशन कर सकते हैं, जैसे रेवती जातहरणी है, अष्ट आर्तव दृष्टि है, अनार्तव है, बीज दृष्टि है, वंध्या योनि व्यापत है, असरिक दोष है, या आर्तव स्रोतस के विद्ध के जो लक्षण बताए हैं उसमें भी वंध्या बताया गया है। और उसमें अगर हम अंत पुष्प को अगर या ओरी को हम अगर विद्ध करते हैं तो बहुत बार अनोलेक्षण या वंध्या ये हमें दिखाई देता है। अब ओविलेशन के जो संतर्पणोत्तर संप्राप्ति हम किस तरीके से देख सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं, संतर्पणोत्तर जन्य निदान मतलब जो कफकर आहार है, क्लेद अभिषंगी जो आहार है हम उसका ये कर सकते हैं, या जो विरुद्ध आहार है इनका ग्रहण करने से दो चीजें होती है, जैसे अग्निमांड्य होता है या कफ दृष्टि होती है, और इन कफ की दृष्टि और अग्निमांड्य के वजह से आम की फॉर्मेशन होता है, और वातक इन तीनों के वजह से जब वात की दृष्टि होती है तो बीज ग्रंथि कार्यहानि होती है, मतलब जो वात का कार्य बताया हुआ है वायु यंत्र तंत्र ग्रह, तो हर एक प्रोसेस में अगर बीज ग्रंथि का कार्य अच्छे से नहीं होगा वात की अगर दृष्टि होती है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होंगे, ठीक है। आम फॉर्मेशन से पित्त की दृष्टि होती है, कफ की दृष्टि के वजह से मेदो दृष्टि होती है, मेदो दृष्टि के वजह से स्त्रोत अवरोध या स्त्रोतो दृष्टि होती है, और ये स्त्रोतो दृष्टि अगर क्षय वैकुण्य अगर आर्तव व स्त्रोतस में होता है तो आगे जाके अनोविलेशन हो सकते हैं, या यूटेराइन से रिलेट कोई और एंटिटी तैयार हो सकती है और ये सारी चीजें अनोविलेशन कॉज कर सकती है, या आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो ये अनोविलेशन का संतर्पण जन्य संप्राप्ति है, उसी तरीके से अनोविलेशन की अपतर्पण जन्य संप्राप्ति इस तरीके से है। अगर अपतर्पण जन्य निदान तथा मानसिक भाव ये दोनों इकट्ठा ही सेवन होते हैं, जैसे अपतर्पण जन्य आहार या विहार अगर सेवन करते हैं, या मानसिक भाव में स्ट्रेस है, हमने ये बहुत बार देखा है कि अभी के इनफर्टिलिटी के लिए स्ट्रेस ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना गया है, पीसीओडी में भी बहुत फैक्टर कॉजिंग फैक्टर या एग्रीवेटिंग फैक्टर हम बोल सकते हैं स्ट्रेस को, यहाँ अभी के जो लाइफस्टाइल है बहुत भागदौड़ की लाइफ है उसमें स्ट्रेस बहुत कॉमन है, और उसके वजह से रस और रक्त इन दोनों की दृष्टि होती है,
और इन आर्तव ये अपतर्पण जन्य आहार के वजह से वात की दुष्टि होती है, रस दुष्टि जो मानसिक भाव है स्ट्रेस, उसमें रस और रक्त दुष्टि होती है और उसके वजह से कफ और पित्त की दुष्टि है। तो इन तीनों के वजह से जब त्रिदोष दुष्टि होती है और अगर स्थान संशय उसका आर्तव स्रोतोष में हो गया तो बीज ग्रंथि कार्य हानि होती है, जैसे हम अनोवलेशन बोलते हैं, गर्भाशय कार्य हानि होती है, गर्भधारणा का जो का काम है वो नहीं होता, बीज वाहिनी कार्य हानि होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्यूबल फैक्टर जो इफेक्ट होता है उसमें ट्यूबल ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये चीजें है, इसको हम अपतर्पणजन्य संप्राप्ति कह सकते हैं की, और ये सारे आगे जाके इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। अनोवेशन को हम अगर आयुर्वेदा के साथ अगर उसकी संप्राप्ति अगर हम देखते कोरिलेट कर सकते हैं तो कफ दुष्टि के वजह से क्या होता है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, मतलब कफ का उपचय जो कार्य है वो उस कार्य की हानि होती है, और उपचय मतलब निर्माण करना, तो एक्चुअली जो प्रॉपर फॉलिकल फॉर्मेशन है वो नहीं होता और उस वजह से कफ दुष्टि की वजह से फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होती। पित्त दुष्टि की वजह से पित्त का मेन काम कन्वर्जन बताया या पाककर्म बताया है या एरोमेटाइजेशन जो हमने टर्मिनोलॉजी देखी वो पित्त की दुष्टि की वजह से एक्चुअली नहीं हो पाएगा, और एंड्रोजन का इस्ट्रोजन में कन्वर्जन नहीं होगा, एंड्रोजन लेवल बढ़ता है तो फॉलिकल मैच्योर नहीं होते और मैच्योर नहीं होने की वजह से अनोवुलेशन होता है। वात की दुष्टि प्री मैच्योर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलिकल, उसके वजह से भी अनोवुलेशन कॉज मतलब हो जाता है। अनोवुलेटरी साइकिल एंड अनोवुलेटरी साइकिल ऑल्सो रेफर टू द मेंस्ट्रुअल एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरीज डज नॉट अकर। क्रोनिक अनोवुलेशन और अनोवुलेशन दैट परसिस्ट फॉर अ ईयर और अ लॉन्गर कैन बी कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इन जनरल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ हार्मोनल प्रोसेस टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मार्क बाय मंथली ब्लीडिंग कॉमनली रेफर्ड टू एज पीरियड एंड ऑल्सो टिपिकली इन्वॉल्व द ओवुलेशन और द रिलीज ऑफ एन ओहम मिड वे थ्रू द ईच साइकिल। Although individuals with the anovulatory cycle do not experience ovulation, they may still experience bleeding due to changes in the hormonal level. This bleeding is usually referred to the withdrawal bleeding. ये कुछ anovulatory cycle का ये देने की कोशिश की है मैंने, एक general idea according modern के हिसाब से। तो इसमें हमें causes के अगर हम देखते हैं तो hormonal imbalance रहता है, hormonal प्रोजेस्टेरोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस है तो आगे जो फॉलिकल की मैच्योरेशन की या फॉलिकल तैयार करने की प्रोसेस है वही अरेस्ट हो जाती है और आगे फॉलिकल्स नहीं बढ़ते। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, जो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स हम लेते हैं उसके वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एक्सेसिवली एक्सरसाइजिंग, बींग ओवर ओवरवेट और अंडरवेट, नॉट कंज्यूमिंग इनफ कैलोरी, बहुत बार ये होता है कि जो नॉट कंज्यूमिंग इनफ कैलोरीज, इसको हम अपतर्पण जन्य संप्राप्ति से कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब दोनों फैक्टर है, अगर हम ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर ईटिंग हो रहा है तब भी ओवुलेशन में प्रॉब्लम आती है, और अगर हम कैलोरीज अगर कम प्रमाण में भी कंज्यूम कर रहे हैं तब भी हम अपतर्पण संप्राप्ति की वजह से अनोवुलेशन कॉज कर सकता है। सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, पीसीओएस, अब ट्रीटमेंट में मॉडर्न की एक्चुअली मेटफॉर्मिन जैसे कुछ ड्रग्स ये देते हैं डायबिटीज में जो हम करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाइफस्टाइल को कवर करने या लाइफस्टाइल को चेंजेस करने के उनके ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है। मेंटेनिंग ऑफ हेल्दी वेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गुड न्यूट्रिशन, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी और मॉडरेट मेडिसिन टू द इंक्रीज और नॉर्मलाइज द हार्मोनल लेवल, ये मॉडर्न की ट्रीटमेंट रहती है। हार्मोनल इम्बैलेंस ये सबसे ज्यादा कॉज रहता है, अब उसमें सारे अलग अलग हार्मोन
लुटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है, तो ये सारी चीजें अगर इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो ओवुलेटरी साइकिल या ओवुलेशन में डिस्टर्बेंस आता है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, एबनॉर्मल फीडबैक सिग्नल है, जो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है इसमें अगर डिस्टर्बेंस आया, इसमें भी कोई अगर फीडबैक मैकेनिज्म है, कभी कहीं जगह पॉजिटिव फीडबैक है, कहीं निगेटिव फीडबैक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तब भी पूरे प्रोसीजर में प्रॉब्लम क्रिएट होके अनओवुलेशन होता है। Irregular periods or the lack of a period can be sign of anovulation. Menstrual bleeding that is lighter or heavier than the usual may also suggest an anovulatory cycle. For those trying to conceive or infertility or the inability to get pregnant can also be a sign of an anovulatory cycle. Regardless, some anovulatory cycles occurs without any noticeable signs. हम यहाँ थोड़ा वात की संप्राप्ति देख सकते हैं, नहीं वाता द्रुते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति, मतलब कोई भी वात योनि व्यापक के लिए सबसे अगर कारणीभूत है वो वात है, इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ योनि व्यापक के लिए या योनि व्यापक के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के लिए वात ही सबसे ज्यादा उसका मेजर रोल रहता है और उसके वजह से इनफर्टिलिटी के लिए भी वात सबसे ज्यादा कारणीभूत रहता है। अब हम कुछ सामान्य चिकित्सा हम देखते हैं उसके रिगार्डिंग। चरक चिकित्सा 30 अध्याय में एक जनरल स्टेटमेंट किया है, सामान्य चिकित्सा बताई है। मृदुभिः पंचभिः नारीं स्निग्धं स्पिन्दं उपाचरेत् सर्वतः विशुद्धायाः शेषकर्म विधीयते। अब इस चक्रपाणी की जो टीका है, पंचभिः इति पदम सकल कर्माणां मृदुतयः कर्तव्योपदर्शनार्थम्। अब इसमें जो पंच मतलब ये पांच कर्म मतलब वमनादि कर्म का उल्लेख किया हुआ है, उसमें उन्होंने स्पेशल बताया हुआ है कि मृदु मतलब मृदु जो द्रव्य है उनसे वमन, उन मृदु वमन, मृदु विरेचन, मृदु बस्ती, इस तरीके से स्त्री सुकुमार होने के वजह से पंच कर्म में भी मृदु द्रव्यों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, अत्र च वमनादीनां सर्वदेहोपकारकतया योनिगत रोग हरेण अपि सामर्थ्यं भवति इति। तो जो वमनादि कर्म है वो देह को उपयोगी है, ये तो सर्वश्रुति ही है, लेकिन योनि रोग में भी वो इतना ही सामर्थ्यशील है जितना बाकी के डिसीजेस में वमनादि के इफेक्ट दिखते हैं। तो योनि रोग में भी वमनादि चिकित्सा करनी चाहिए, और हमने अगर थोड़ा सा चरक चिकित्सा या के जो भी अध्याय देखे, अगर पहले चरक संहिता में पंचकर्म के लिए बताया गया है और बाद में शमन औषधि देने के लिए बताया, अगर हम इसको अगर हम अपने ओपीडी लेवल पे या अपने डेली लाइफ में अगर उसको हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम शोधन चिकित्सा करते हैं तो शोधन की वजह से जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, दोषी क्वेशिएशन जो रहता है वो सारे रेगुलेट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम शमन औषधि देते हैं तो वो दिए गए औषधि का बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। तो इसलिए चक्र आचार्य चरक ने प्रथम मृदुभिः पंचभिः ये बता के पहले वमनादि कर्म करने के लिए बताया है। इसमें अब पंचकर्म में जो हम पूर्व कर्म करते हैं उसमें स्नेहन और स्वेदन जरूरी है, लेकिन स्नेहन और स्वेदन का क्या इफेक्ट है अब इनफर्टिलिटी में या ओव्यूलेशन में? तो स्नेहात्कम स्विन्नम अंगम तु वक्रम स्तब्धम अथापि वा शनैः आयुतम शक्यम यथेष्ट शुष्क दारुवत। मतलब यहाँ शुष्क दारुवत को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, जैसे हमने पहले देखा कि अनओव्यूलेशन में जब थीका सेल की जो जो लाइनिंग होती है वो बहुत हार्ड रहती है, ठीक है, अगर उसको हमें ओव्यूलेशन उसके वजह से नहीं हो रही है, हार्ड लाइनिंग की वजह से नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें स्निग्धं स्विन्नम
ये करना जरूरी है। और शुष्क धान मतलब अगर शुष्क काष्ठ है उसको भी हम लचीला बना सकते हैं। सेम अगर हम स्नेहन, वो स्नेहन अभ्यंतर हो या बाह्य हो, दोनों तरीके की स्नेहन की हमें जरूरत है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, तो उसमें हर्षतोद रुक आमय शोत स्तंभ ग्रह आदय स्विन्नम माशु प्रशाम्यन्ति मार्दवम चोपजायते। देखो यहाँ मार्दव भी ये बोला है, तो स्निग्ध और स्विन्न इनके वजह से जो इनर लाइनिंग है फॉलिकल की, वो हार्ड जो होती है वो धीरे धीरे नेक्स्ट साइकिल में, उसके नेक्स्ट साइकिल में सॉफ्ट होना स्टार्ट होती है और उसके बाद ओविलेशन के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। तो मतलब स्नेह ये तो हमें करना ही है, स्नेहन स्वेदन एज अ पूर्व कर्म करना ही है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट या ओविलेशन के लिए भी होता है। अब हम विरेचन देखेंगे। विरेचना प्यूरिफाइड द पित्त एंड प्यूरिफाइड द रक्त एंड रिमूव्स द संग ऑफ आर्तव स्त्रोत। विरेचना हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अग्निस्तना and it pacifies the vitiated kapha and vata dosha and has the quality of stroto vishodhana. Shodhana therapy is the most important measure for the bahudoshaj vyadhi. Mode of action of virechan. Action of virechan karma can be divided into following two ways. First is a systematic and second is local evacuation. By which it brings down the morbid dosha, particularly the pitta, from the body to amashaya or pakvashaya, or with the local evacuant, which is concerned with the evacuation of these dosha in the form of a mala from gut by the adho-bhaghara property. Virechan yoga get absorbed in stomach or intestine. Due to virya, it reaches to hrudaya and then dhamni, and therefore it reaches the macro and micro channels of the body. The vyavahi guna of a drug is responsible for the quick absorption. Vikasi guna causes the softening and the loosening of the bond by the dhatu shaitilya karma. Due to ushna guna, dosha sanghata compactness is a liquefied, that is vishandana. Action of a tikshna guna is to break the mala and the dosha microforms. According to Dallana, this action is due to the quick excretion, that is dosha sravana kartavya. Due to sukshma guna, by reaching in the micro channel, disintegrate endogenic toxins which are then excreted to the micro channel, mainly due to prabhava prithvi and jala constitution, the presence of a saraguna virechan occurs. Or is virechan virechan ke wajah se jo bhi detoxification hum bolte hain, aur pitta virechan hum mostly pitta aur vat in dono ko regulate karne ke liye hum dete hain, to pitta ka agar vishesan kam hota hai ya pitta dosh agar samapraman mein aata hai, तो हम आगे जाके जो एरामोटाइजेशन है, कन्वर्जन है, वो पाक कर्म है, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना चाहिए, जहाँ फॉलिकल का रिग्रेशन है, मतलब फॉलिकल की ग्रोथ अच्छी से नहीं हो रही है, तो वहाँ कफ और पित्त इन दोनों का ये होगा। और उसमें सबसे पहले मृदु वमन या सद्य वमन के बाद विरेचन करना जरूरी है, और उसके बाद फिर फॉलिकल ग्रोथ के लिए स्टार्ट हो सकता है। तो हम पंचकर्म का जो भी पंचकर्म है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। विरेचन बाद द शोधन ऑफ रक्तांतर में पित्त, इट प्यूरिफाइज द ब्लड, रिमूव्स द संग
सर तुम्ही म्यूट झालेला हॅलो. हा येतो आवाज, येतो आवाज. अच्छा सर, मुझे नहीं समझ में आया कहां से म्यूट हो गया. अब फिर से एक स्लाइड. अच्छा आधी से एक स्लाइड, मतलब ये विरेचन की स्लाइड यहां से ना. अच्छा तो विरेचन के वजह से स्रोतोशोधन होता है. स्रोतोशोधन के वजह से जो रक्तांग रक्त और पित्त का जो आश्रय भाव बताया है, तो रक्त की दृष्टि तथा पित्त की दृष्टि कम हो जाती है, ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, और उसके वजह से जो दोषों का संघात है, दोष और मल का संघात है, वो कम हो जाता है. और संघ कम होने के वजह से आर्तव स्रोतो जो दृष्टि हुई है वो शोधन हो जाती है. और आर्तव दृष्टि कम होने के वजह से आर्तव जो सिस्ट फॉर्मेशन जो है वो कम होके ओव्यूलेशंस के लिए स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं बस्ती चिकित्सा. हम चरक ने अर्ध चिकित्सा या संपूर्ण चिकित्सा भी बोला है, क्योंकि बस्ती के वजह से जो भी शाखागत दोष है, कोष्ठगत दोष है, या मर्म संधि अवयव इनके जो दोष है उसको पूरा निकाल देते हैं. तथा वात बस्ती, ये वात के लिए चिकित्सा प्रधान चिकित्सा बोली गई है. और हमने पहले ही देखा है कि जो योनि व्यापद में सबसे जो अहम जिसका ये रहता है वो वात है, और वात के वजह से योनि व्यापद ज्यादा रहते हैं. तो हमें योनि व्यापद में बस्ती ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली चिकित्सा है. और बस्ती के कार्मिकत्व पे सुषुप्त संहिता में ये बताया द्रव्य संयोग. बस्ती कैसे कार्य करती है, द्रव्य संयोग, जो बस्ती में अलग अलग तरीके से जो द्रव्य हम यूज करते हैं कल्क के फॉर्म में या वात के फॉर्म में, और उसके वजह से या मधु और जो स्नेह है उनकी मात्रा कम ज्यादा करने की वजह से, उसके इन द्रव्यों के वजह से बस्ती का कार्मिकत्व हमें दिखाई देता है. तो इसलिए कुछ बस्ती हमने ब्रूहण बस्ती बताई है, कोई कुछ शोधन बस्ती बताई है, लेखन बस्ती बताई है. तो ये द्रव्य संयोग के वजह से अलग अलग बस्ती की प्रकार हो सकते हैं, और उसके वजह से उसके अलग अलग इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं. दूसरी चीज है क्षीण शुक्र वाची करोति. बस्ती का अगर ये बताया गया है कि क्षीण शुक्र वाची करोति. क्षीण शुक्र के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि क्षीण आर्तव शुक्र बताया गया है, लेकिन उसके साथ हम कोरिलेट करते तो क्षीण आर्तव में सबसे जो जरूरी है या बहुत अच्छे तरीके से चिकित्सा बस्ती अगर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलते हैं, तो हमें सिर्फ शुक्र तक ही सीमित नहीं रहते हुए उसको हम क्षीण आर्तव से भी को भी कंसिडर करना चाहिए. कृशम बृहति स्थूलम कर्षयति शरीरोपचय वर्ण बल आरोग्य आयुष्य करोति दोषाणाम संशोधन संक्षमण संग्राही करोति इति. ये बस्ती का कार्मिकत्व बोला है. और बस्ती में भी जो बस्ती सुषुत का जो रेफरेंस है उसमें पहली बस्ती वंक्षण तक कार्य करती है, दूसरी मूर्धस्य निलोहो, तीसरी बस्ती बल और वर्ण के लिए काम करती है, चौथी बस्ती रस तक जाती है, पांचवी रक्त तक, छठी मांस, सातवीं मेद तक, आठवीं बस्ती अस्थि तक, नवीं बस्ती मज्जा तक, और अठारहवीं जो बस्ती है वो शुक्र तक जाती है. अब यहाँ शुक्र सिर्फ हमें शुक्र से रिलेट को रिलेट नहीं करना है, हमें
आर्तव से भी कोरिलेट करना है, मतलब अगर हम स्त्री शरीर का अगर हम अगर ये करते हैं कंसिडर करते हैं तो 18वीं बस्ती हम आर्तव तक जाती है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो मोस्टली एक दो बस्ती में ही उसके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर अगर हम शास्त्र शुद्ध चिकित्सा करते हैं तो 18 बस्ती तक हम उसको देने की कोशिश करते हैं तो नेक्स्ट एक साइकिल में तो जरूरी नहीं कि वो होगा, दूसरे साइकिल में ओवुलेशन या तीसरे साइकिल में ओवुलेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा शास्त्र के अगर हम कोटेशन देखते हैं उस हिसाब से करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सिस्टमैटिक एक्शन ऑफ बस्ती पक्वाशयात बस्ती वीर्यम, अब द वीर्य ऑफ अ बस्ती एडमिनिस्टर्ड टू द इनटू द पक्वाशय रीचेस द होल बॉडी थ्रू द चैनल एज द एक्टिव प्रिंसिपल्स इन द वॉटर and when poured in at the root of the tree reaches the whole plant. जो सुश्रुत संहिता में बताया है जैसे हम प्लांट के मूल में या जड़ों में जब पानी डालते हैं तो वो पूरे प्लांट में अच्छे तरीके से फैल जाते हैं, उसी तरीके से अगर हम बस्ती देते हैं तो बुध द्वार से या मार्ग से तो वो पूरी बस्ती पूरे शरीर में फैल जाती है। बस्ती की मोड ऑफ एक्शन इस तरीके से है, जनरल इफेक्ट के वजह से बस्ती का जो वीर्य है वो पूरे शरीर में स्रोतों में फैल जाता है, ठीक है, उसके वजह से इट स्पेसिफाइज द दोषी क्वेशिएशन रेगुलराइजिंग अग्नि एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी बाय ओविलेशन। और अगर हम थोड़ा सा दूसरे इफेक्ट अगर देखें गुद मार्ग से, जब बुध को शारीर मूल ऐसे बताया हुआ है तो उससे सिस्टमेटिक और लोकल इफेक्ट से वहाँ के अपान वायु को जो वेशिएशन होता है वो अपान वायु नॉर्मलाइज होता है और उसके वजह से जो वात की जो क्रिया है बीजोत्सर्ग गर्भधारण या बीज वहन ये जो कार्य है वो अच्छे तरीके से होता है, ओवुलेशन होता है और फिर इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा बस्ती का इफेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न का कोरिलेशन देखें तो रेक्टम इज अ रिच इन अ ब्लड एंड लिम्फेटिक सप्लाई, ड्रग कैन क्रॉस द रेक्टल म्यूकोसा लाइक अदर लिपिड मेम्ब्रेन थ्रू द वेरियस बस्ती द्रव्यास, स्टिमुलेशन ऑफ अ न्यूरो रिसेप्टर ऑफ अ रेक्टम बोथ एट अपर रेक्टल म्यूकोसा एंड लोअर रेक्टल म्यूकोसा, इट स्टिमुलेट्स द सुपेरियर ह्यूमोराइडल वेन, उसका बस्ती का वीर्य है वो अपर रेक्टल म्यूकोसा से सुपेरियर ह्यूमोराइडल वेन में आता है और वो पोर्टल सर्कुलेशन में आता है और उसके वजह से एंडोजिनस ओपाइड स्टिमुलेट होते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस GnRH रिलीजेस या बीटा एंडोरफिन जो होता है और उसके वजह से पिट्यूटरी ओवेरियन जो एक्सिस है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस वो रेगुलेट होती है और वो मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन दोनों ही रेगुलर करती है। एक हम यहाँ एरेंडमुलादी यापन बस्ती का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एरेंडमुलादी यापन बस्ती में हम मधु और सेंधव, सबसे पहले अगर हम बस्ती बनाते वक्त हम ये देखते हैं कि हम पहले मधु और सेंधव को इकट्ठा घोटते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं तो मधु का योगवाही जो गुण है उसके वजह से इट इंक्रीजेस द पोटेंसी ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, सेंधव सूक्ष्म गुण होने की वजह से रीचेस अप टू द माइक्रो चैनल्स, तीक्ष्ण गुण के वजह से इट ब्रेक डाउन द मॉर्बिड मल एंड दोष संघात, स्निग्ध गुण इट क्वालिफाई लिक्विफाइज द दोषा, तिल तैल स्निग्ध और गुण के वजह से इट पैसिफाइज द रुक्ष खर दारुण गुण ऑफ वाटर एंड इंक्रीजेस द परमेबिलिटी, गोघृत स्निग्ध है और ये रसायन है वात पित्त का भी शमन करता है, एरंडमुलादी यापन बस्ती में शतपुष्पादि कल्क है, बहुत सारे कंटेंट है उसमें, वो सारे कटु लघु तीक्ष्ण और दीपन है, इसके वजह से अग्नि दीपन होता है और स्रोतो शोधन होता है और स्रोतो शोधन होने की वजह से सूक्ष्म स्रोतो ये जो है बस्ती वो सूक्ष्म स्रोतों तक चली जाती है
और एरंड मुलाधिक वात वो स्निग्ध गुरु और तीक्ष्ण। अब स्निग्ध कहने का ये है कि एरंड मुलाधिक यापन मस्ती में दुग्ध भी यूज किया हुआ है, मांस रस भी यूज किया हुआ है, तो दुग्ध हम उसको क्षीरपाक भी बोल सकते हैं, जो पाक बनता है, तो उसके वजह से ये स्निग्ध गुण यहाँ बताया गया है। और ये गर्भाशय शोधन तथा वयस्थापन का कार्य करता है, और इन सारी चीजों के वजह से अग्नि सबसे पहले वो जो वेशिएटेड अग्नि है वो समदोष समाग्नि हो जाता है। देखो यह आम पाचन और त्रिदोष हर बताया, ये जो बस्ती है इट रिमूव्स द संग एंड आवरण, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वायु टेक्स प्लेस, इट रेगुलाइज द बीज ग्रंथि कर्म एंड बीजोत्सर्ग हैपेंस। ये कुछ बस्ती किस तरीके से बनाते हैं वो दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। जैसे गुरुत सबसे पहले मधु और सिंधव ये होने की वजह से उसका किस तरीके से उसका कलर है, और उसके बाद जैसे जैसे हम मधु और तेल ऐड करते जाते हैं उस तरीके से उसका ये कलर चेंज हो जाता है। जितनी बार आप उसको अच्छी तरीके से मर्दन करोगे, संस्कार करोगे, तो उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। बाद में जो लेफ्ट साइड में आप देखोगे कल्क द्रव्य डालने के बाद किस तरीके से उसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, और क्वाथर डालने के बाद एंड में जो किस तरीके से बस्ती बन गई है, ये बस्ती नेत्र आपको दिख रहा है। मात्रा बस्ती, मात्रा बस्ती थ्रू द लोकल इफेक्ट गुद में देते हैं शरीर मूल, ये शरीर मूल है, इट नॉर्मलाइज द अपान वायु, और अपान वायु वातानुलोमन होने की वजह से फॉलिकल फॉर्मेशन और ओविलेशन में अच्छे तरीके से हेल्प होता है। बस्ती वीर्य स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, स्पेसिफाइज द दोषिक वेशिएशन अलोंग विद द व्यान वायु, रेगुलराइजिंग द अग्नि, सम्यक रस रक्तादि धातु निर्माण, सूक्ष्म भाग ऑफ रस रीचेस द बीज ग्रंथि दैट इज द प्रॉपर अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स, इट रेगुलराइज द बीजोत्सर्ग दैट इज ओविलेशन। नस्य नासो ही शीर्षो द्वारम, अब नस्य का अगर हम मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, तो जब हम ड्रग नस्य के थ्रू अगर हम देते हैं दो नेजल रूट में, इट रीचेस द सिंगाटक मर्म, स्प्रेड थ्रू द सिरास ऑफ नोज ईयर आईज एंड टंग, रीचेस द शिरा दैट इज हेड एंड ब्रेन, स्क्रैचेस द मॉर्बिड दोष एंड प्रोमोट्स द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ फंक्शन। नस्य ऑफ लुक वॉर्म नारायण तेल का मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, इट मे स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी नर्व, स्टिमुलेट द लिम्बिक सिस्टम एंड द हाइपोथैलेमस, स्टिमुलेट द GnRH न्यूरोन्स, मे रेगुलराइज द GnRH पल्सेशन पल्साटाइल सिक्रीशन, मे एक्वाइर द प्रॉपर गोनाड्रोपिन सिक्रीशन, इट लीड्स टू ओविलेशन। लहसुनादि तेल, यहाँ मैंने एक कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ तेल है जैसे लहसुनादि है, काश्यप संहिता कल्प अध्याय में है, उसमें लहसुनादि में बोला है कि क्लिब बंध्याति वृद्धानाम अपि वीर्य प्रजा प्रदम, ये एक्चुअली वंध्यत्व से रिलेटेड आया हुआ है, लेकिन अगर हम उसको अनोवुलेटरी साइकिल में अगर हम मात्रा बस्ती देते हैं, या इसमें बोला है कि इसका एतत् पाने च भोज्ये च हितम समधुर मधु शर्करम, अगर हम समधु शर्करम मधु और शर्करा के साथ अगर हम उसको अपने खान पान में भी लेते हैं या उसका सेवन भी करते हैं, और आगे तेनैव विधिनाम तैलम बस्ती कर्मणि शस्यते, मतलब हम नस्य भी सकते हैं, उसका पान भी कर सकते हैं, और बस्ती कर्म के लिए भी उसका मतलब ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये क्लिब और बंध्या दोनों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। एक्चुअली जामनगर में इसके ये जो नारायण तेल है, एरंड मुलादी यापन बस्ती है जो मैंने पहले बताया है, उनके ऊपर भी बहुत सारे कार्य हुआ है, और ये एस्टेब्लिश हुआ है कि इनके वजह से अच्छे तरीके से ओवुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट महाराष्ट्राधिक वात है, शारंगर संहिता में मध्यखंड में बताया गया है, तो उसमें वंध्या में
और गर्भ कारणम ऐसे इसका महाराष्ट्र आदि की मतलब ख्याति बताई गई है। तो ये भी जो हम ये क्वाथ ले रहे हैं वो सेम पहले अग्नि का जो ये है अग्नि बढ़ाएगी और उसके वजह से जो भी दोष संगत है वो कम हो जाएंगे और फिर ओविलेशंस के लिए उसका हेल्प हो जाएगा। प्रजास्थापन धनुवटी अगर हम उसका ये देखते हैं तो उसमें जो भी कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा तिक्त और कटु रस के है, उष्ण लघु गुण के है, उष्ण वीर्य के है और इनके वजह से दीपन पाचन होता है, आम पाचन श्रोतोशोधन होता है, लेखन हो जाता है और इट रिमूव इसका वजह से अग्नि दृष्टि कम होती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, संघ कम हो जाता है और त्रिदोष अगर उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल होती है तो स्रोत दृष्टि जो आर्तवह में है वो कम होने के बाद ओविलेशन हो जाता है या बाकी की जो मेंसेस भी रेगुलेट हो जाते हैं। तो प्रजास्थापन गण का अगर हम धनवटी बना के अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी ओविलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। एक्चुअली मेरे थेसिस जो पीजी डेजर्टेशन था उसमें हमने प्रजास्थापन धनवटी और एरंडमुला दी यापन बस्ती इन दोनों में मैंने कंपैरिजन किया था तो एक्चुअली दोनों में भी बहुत अच्छी तरीके से मुझे रिजल्ट्स मिले। बस्ती कर्म भी बहुत अच्छा ओविलेशन के लिए है और अगर हम घनवटी अगर बनाते हैं क्वाथ को बहुत उबाल के उसके बाद जो भी दस्तक्रिया से जो घनवटी बनती है उससे भी बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। और मुझे इसमें ये मतलब एक ये मिला कि अगर प्रजास्थापन घनवटी अगर हम पित्त प्रधान अगर या पित्त प्रकृति में ज्यादा यूज होते हैं तो उसमें बहुत बार सिस्ट फॉर्मेशन के भी चांसेस है तो हमें थोड़ा सा दोषिक वेशेशन के साथ प्रकृति भी देखनी पड़ेगी जिस किस प्रकृति में लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर हुआ व्याख्यान। उपस्थित वैद्यों से अनुरोध है कि इस विषय से निगड़ित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक मैं एक प्रश्न पूछूं सर। सर आपने जैसे कहा कि बहुत बार ऐसे होता है कि एक तो अनोलेशन होता है और रजस्राव उस केस में नित्य रहता है या दूसरे केस में रजस्राव नहीं होता लेकिन ओवुलेशन होता है, तो जो दूसरी केस है जिसमें रजस्राव हर महीने नहीं होता है लेकिन उनको ओवुलेशन स्टडी में सब अच्छा ही रहता है तो उस केस में हमें उनका हर महीना रजस्राव सम्यक होने के प्रति चिकित्सा की ओर ध्यान रखना चाहिए या क्या आपका मार्गदर्शन रहेगा ऐसे केसेस में? एक्चुअली ये जो मैंने सेकंड केस बोली थी हमें ये कब दिखाई देती है? सूती का अवस्था में दिखाई देती है। सूती का परिचर्या में या सूती का में बहुत बार रजो दर्शन नहीं दिखते, मतलब पेशेंट बोलते कि सर बहुत मतलब ये दिन हो गए महीने हो गए लेकिन ब्लीडिंग हुई नहीं। जब डिलीवरी के बाद जितनी ब्लीडिंग होती है उतनी ब्लीडिंग होती है और उसके बाद उनको मेंसेस ही नहीं आते है ना, तो उसमें ये रहता है कि ओवुलेशन होता है लेकिन उनके ये नहीं दिखाई देते। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो रेगुलर मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है उनमें बाकी के जो भी डिसीजेस है उसके जो उसके लिए वो कम प्रोन होती है डिसीजेस के लिए, तो हमें ये भी जरूरी है कि हमें मतलब आर्तव दर्शन होने के लिए भी उनकी चिकित्सा करनी जरूरी है। अब ये एक बाय
चार साल में ये होता है कि बहुत बार मतलब बहुत महीने हो गए कि मुझे ब्लीडिंग मतलब नहीं हो रही है और वो उनको मान के चलते कि हाँ चलो मुझे इरेगुलर मेंसेस है। बाद में फिर हम ओपीडी में देखते हैं यूपीडी करके, तो वो प्रेग्नेंट या यूपीडी पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर हम इसको यूएलजी के साथ कोरिलेट करते हैं तो यूएलजी में जो एज है उस फीटस की वो बहुत कम होती है, मतलब नियर अबाउट हम अगर ये मान के चलते कि 3 या 4 महीने से उसको अमीनोरिया है, लेकिन जो एज है फीटस का वो नियर अबाउट 8 वीक का है, मतलब 2 मंथ्स का, लेकिन उसको अमीनोरिया फ्रॉम 3 to 4 मंथ्स है। तो ये बहुत ओपीडी लेवल में ये दिखाई देता है। तो हमें जरूरी है कि एक बार ओवुलेशन मतलब फर्टिलिटी हो गई या कंसीव हो गया बात अलग है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो हमें उसके मेंस्ट्रुएशन की तरफ ध्यान देना जरूरी है। जी सर धन्यवाद। स्तुति का वो अवस्थित में भी समझ में आया, लेकिन प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो तो उस केस में जैसे हमें अव्ययचन और बस्ती प्राथमिक शोधन के बाद उत्तर बस्ती के लिए प्लान करना है तो डेज का कैसे नियोजन करें फिर? हाँ, उत्तर बस्ती में अगर हमें प्लान करना है तो एक तो पहले हमें पेशेंट को जो प्रायर मेंसेस जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे लोअर लिम्स में पेन है या कटी में पेन है, लोअर एब्डोमिन में पेन है, तो हमें पहले वो देखना चाहिए कि वो है या नहीं है, है ना। और उसके बाद फिर हमें एक बार यूएचजी भी करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी रह गई है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर कम है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। कुछ प्रश्न आए हैं, अनुवासन बस्ती के लिए कौन से स्नेह का प्रयोग करें? अष्टांग हृदय में पिप्पल आदि अनुवासन बताया है, और हमारे मतलब जामनगर में डॉक्टर अशोकन करके पीएचडी स्कॉलर थे, उनके इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैं ज्यादा से ज्यादा दशमूल तेल है, शतपुष्पादि तेल है या हिंदू त्रिकोणादि तेल है, ठीक है, ये तेल को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बहुत सहचरादि तेल से भी अच्छे तरीके से लेखन होता है, तो अनुवुलेशन में अनुवासन बस्ती के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जी सर धन्यवाद। और एक प्रश्न है, पीसीओडी इन थिन पेशेंट विद इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लीज सजेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स। अच्छा, पीसीओडी में अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं तो पीसीओडी में अवधातु की भी दृष्टि होती है, तो अवधातु की दृष्टि अगर हम प्रमेह का भी ये करते हैं तो प्रमेह की तरह प्रमेह में चिकित्सा जो बताइए ओबे स्थूल और कार्श दोनों के लिए, तो सेम जो पीसीओडी में स्थूल और कार्श, मतलब जरूरी नहीं कि अगर कार्श है तो उसमें पीसीओडी नहीं होगा। हमें ओपीडी में या इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे पेशेंट दिखते हैं कि जो लीन किंग है फिर भी उसको पीसीओडी है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मृदु शोधन करने के बाद उसको बस्ती ज्यादा से ज्यादा ब्रूहन चिकित्सा मतलब ब्रूहन बस्ती देना जरूरी है, और उसके वजह से वात का शमन हो जाएगा और फिर सारे दोष रेगुलर जब हो जाएंगे तब उसको मेंसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो फॉलिकल्स है जो सिस्ट बनी है उसका साइज कम हो जाएगा। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीसीओडी में लीन थिन पेशेंट में ब्रूहन बस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है। जी धन्यवाद सर। और एक प्रश्न है, डाइट इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट्स। डाइट इंस्ट्रक्शन अब अनोवुलेशन का जैसे मैंने संप्राप्ति जो दो बताई है, संतर्पण्य जन्य संप्राप्ति अपतर्पण्य जन्य संप्राप्ति, दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी है आहार।
हम किस तरीके से आहार लेते हैं उस तरीके से संप्राप्ति होती है। तो अगर हम संतर्पण जन्य संप्राप्ति से अनोवुलेशन हुआ है या इनफर्टिलिटी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पेशेंट को वो चीजें सदा ज्यादा से ज्यादा रोकना, मतलब जैसे दही का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले उन्हें रोकना चाहिए। जंक फूड ले रहे हो ज्यादा से ज्यादा वो रोकना चाहिए, इससे हार्मोनल इम्बेलेंस होता है और सबसे ज्यादा हार्म होता है, इसलिए वो चीजें जरूरी है। मैं मेरे ओपीडी के लेवल में तीखा ज्यादा नहीं खाना, तला हुआ नहीं है, कटी चीजें है, इवन बेसन और मैदा वाली चीजें हैं, इनसे भी ये भी परहेज करने के लिए बोलता हूँ। बहुत बार हम देखते हैं कि पापड़ बहुत सारे लोगों को, खास करके फीमेल, वो बहुत ज्यादा खाती है, या पानीपुरी और ये सारी चीजें, तो उसमें क्षार का प्रमाण ज्यादा रहता है और क्षार की विशेषण के लिए और कफ का लेखन करने के लिए या वात बढ़ाने के लिए कारणीभूत होता है, तो वो चीजें हमें देखनी है। और अगर हम धान्य से रिलेटेड देखते हैं तो मूंग दाल छोड़ के मैं बाकी जो अरहर की दाल है या चना की दाल है, मसूर की दाल है, वो थोड़ा कम करने के लिए बोलता हूँ। फिर जो राजमा है, क्योंकि वो वात बढ़ाने वाले हैं, आपको अरहर की दाल ज्यादा से ज्यादा पित्त बढ़ाती है, रक्त की दृष्टि होती है, तो डाइट में सबसे बहुत अच्छा डाइट अगर हम बताते तो मूंग दाल बतानी चाहिए। और मैं सब्जियों में जो बोलता हूँ उसमें जो फल वाली सब्जी है, लौकी है, कद्दू है, करेले है, ये फल वाली सब्जियां बहुत ज्यादा खाने के लिए बोलना जरूरी है। फिर हम एक देखते हैं कि हम जो स्प्राउट्स है, इसमें बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन के हिसाब से या न्यूट्रिशियस वो स्प्राउट्स ज्यादा खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वाकबट ने स्प्राउट्स को मतलब कम खाने के लिए बोला है, क्योंकि स्प्राउट्स इस तरीके से ये रहता है कि उसका कन्वर्जन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ना वो बीज के फॉर्म में है और ना वो पूरे पेड़ के फॉर्म में है, तो स्प्राउट के मिडल में है। जिस तरीके से बहुत बार बोलते हैं कि एक वेजिटेरियन है, लेकिन एक सेम ना वो बीज फॉर्म में है और ना वो पूरे जो हेन है या क्या बोलते हैं चिकन है उस फॉर्म में है, वो मिडल फॉर्म में, सेम पनीर के लिए मैं बोल सकता हूँ, वो एक मिडल फॉर्म है, उसका पूरा कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो जो पूरा कन्वर्जन नहीं हुआ वो सारे अपने अपने शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये चीजें हम सारे बोल सकते हैं डाइट फॉर्म में पेशेंट्स के लिए। जी सर, बहुत सुंदर। और बहुत बार ऐसे भी दिखाई देता है कि अवृक्ष और वृक्ष अन्न का बहुत पान होता है, तो जैसे साग है, खीरे है, स्निग्ध दूध है, घी है, इनका आहार प्रयोग या किसी भी प्रकार के सार, आमटी, सूप, ये आहार में नहीं जाता है, तो ये एक बहुत कॉमन हेतु दिखाई देता है ऐसे केसेस में। सही है आपकी बात जी। तो उसमें काले मनुक के अंजीर और दूध भी, ये सब एडवाइस किया जाता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। और एक प्रश्न है, कैन यू प्लीज शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ यूज ऑफ टंकन फॉर फॉलिकल रप्चर। अच्छा, टंकन का फॉलिकल रप्चर में हमें हम टंकन ज्यादा से ज्यादा बर्थ कंट्रोल में उसको यूज करते हैं, तो इसका इफेक्ट हमें मतलब इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हुआ है। तो टंकन ओविलेशन को सप्रेस करता है, तो फॉलिकल रप्चर के लिए अभी तक टंकन यूज कहाँ हुआ है ऐसे मुझे तो कभी ये नहीं हुआ, मतलब मेरे अभ्यास में तो नहीं आया, लेकिन जो विडंग टंकन का योग जो बताया है वो हम बर्थ एज अ बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। जी सर, धन्यवाद। या अन्य कोई ऐसा द्रव्य है जो फॉलिकल रप्चर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? अभी तक तो मैंने किया नहीं है। फॉलिकल रप्चर के लिए मैं लहसुन आदि बटी, मतलब अगर ओवुलेशन जो हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, फॉलिकुलर स्टडी में अगर 20 mm साइज का अगर फॉलिकल है, तो मैं
एक दिन के लिए 2 TDS के हिसाब से लोशन आदि वटी दे देता हूँ, और लोशन आदि के वजह से ओव्यूलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो जो एलेज सर्ज है वो एक्चुअली लोशन आदि के वजह से ही होता है। तो हम मेरे ओपीडी में या हम जामनगर में ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं ओव्यूलेशन के लिए। फॉलिकल पूरा मैच्योर हो गया उसके बाद जी सर, धन्यवाद। अभी विषय आया तो बर्थ कंट्रोल के लिए जो अखंड गुंजा बीज का सेवन बताया, उसका भी प्रयोग करके देखा है आपने? या उस पर मैंने कोई नहीं किया। अखंड गुंजा बीज का मैंने नहीं किया अभी तक कुछ प्रयोग। जी धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर रहा आपका मार्गदर्शन। आरंभ से लेकर अभी क्वेश्चन आंसर सेशन तक आपने बहुत ही सुंदर पीपीटी के सहाय से विषय की जो व्याप्ति है कम समय में बहुत बड़ा विषय आपने पूरा का पूरा हमारे सामने रखा। तो इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं परम आयुर्वेद और उपस्थित सभी वैद्यों की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ, और आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए पुनर्मिला महा धन्यवाद। धन्यवाद मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा परम आयुर्वेद के थ्रू सभी जो श्रोतागण है, वैद्य है, स्टूडेंट है, उनसे डिस्कशन करके, उनसे इंटरेक्शन से मुझे भी अच्छा लगा। और ऐसे ही हम मतलब मैं परम आयुर्वेद से जुड़ा रहूंगा, मैं आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद सर।